निकला टेन फाइव, और टेन फाइव की जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, स्लोप, और जो स्लोप होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, वेलोसिटी। ओके, कोई बच्चा कहेगा इसका उल्टा कर लो ना यार, इसको बोल दो थीटा, और जो थीटा है वो बेसिकली 360 माइनस फाइव है, कोई बुराई नहीं उसको। लेकिन हम हमेशा स्लोप निकालते थे एंटी क्लॉक घूम के, इस बार कैसे निकाल रहे हैं, क्लॉक घूम के। क्या रोटेशन का सेंस बदल गया? हाँ, तो एंटी क्लॉक घूमने पर हम कह रहे थे वेलोसिटी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। आज हम क्या बोलने लग जाएंगे, नेगेटिव। जैसे सेंस ऑफ रोटेशन बदल जाए आप क्या कह दें, स्लोप नेगेटिव हो गई। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, टैन थीटा दैट इज इक्वल टू स्लोप बट नेगेटिव स्लोप। क्लियर है मेरी बात, स्लोप कैसी हो गई, नेगेटिव। इसको मैं यहां ना लिख के ऐसे लिख देता हूं, नेगेटिव स्लोप। अब गौर से देखो तो कास्ट रूल अगर किसी को याद है, CAST, तो देखो यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ टैन पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है। तो भैया चौथे क्वाड्रेंट में हमारी वेलोसिटी आ रही है, XT ग्राफ आ रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में टैन तो पॉजिटिव नहीं होने वाला। इसका मतलब चाहे यहाँ से ग्राफ बनाओ चाहे उल्टा ग्राफ बनाओ, बात तो एक ही बनने वाली है, तो जो स्लोप है वो तो नेगेटिव ही आने वाला था, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो क्यों इतना लंबा चौड़ा वो करना। दूसरी बात ये कि 360 माइनस थीटा या थीटा तो बातेगी, तो हम ये करके चलते हैं। अच्छा, इसका मतलब स्लोप ऐसे बन जाएगी तो वो स्लोप निगेटिव हो जाएगी, हमें ऐसे घूमने की जरूरत नहीं है, उल्टा ही घूम ले और थीटा बोल दें, बात बन जाएगी। तो नेगेटिव फिलोसफी, दिस इज नेगेटिव फिलोसफी। इसका अगर इंटरप्रिटेशन बनाना है तो ये जो पार्ट है, ये जो पॉइंट है, ये मेरा ओरिजिन है, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहा था, इस डायरेक्शन को नेगेटिव बोल रहा हूं, तो मेरा पार्टिकल ओरिजिन पर ही खड़ा था और किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, बी कांस्टेंट नेगेटिव साइड में मूव कर रहा था, कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई नहीं चाहिए। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो फिर फटाफट, आगे करते हैं, डन, बढ़िया बात। इसी ग्राफ को और आगे देखो, इसकी चर्चा करें या पॉजिटिव स्लोप की चर्चा कर लो, फिर नेगेटिव की कर लेंगे। पार्टिकल यहाँ खड़ा था माइनस एक्स नॉट, भाग रहा है पॉजिटिव साइड में। गौर से देखो, मैं स्ट्रेट लाइन ही बना रहा हूँ, कोई और नहीं बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पहले ये बोल दिया कि वी आर ओनली कंसर्न विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटीज। क्यों? क्योंकि शुरुआत में रेस्ट का केस पड़ा और दूसरा केस हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट मतलब XT ग्राफ का स्लोप इज कॉन्स्टेंट, और स्लोप कॉन्स्टेंट का मतलब ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन। इसमें स्ट्रेट लाइन बराबर बना, तो ये स्ट्रेट लाइन। बात है कि मेरा पार्टिकल कहाँ खड़ा है, टाइम टी बराबर जीरो पर, टाइम टी बराबर जीरो मतलब यहाँ पहुंच गया, उसका मैं पोजीशन क्या है, ये माइनस एक्स नॉट। अच्छा, उसके बाद ये ग्राफ जो है ये टाइम एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर, यहाँ बैठे पॉजिटिव टाइम में देखा एंटी क्लॉक घूमे, थीटा एंगल बन रहा है। क्या थीटा 90 से छोटा दिखाई देता है? हाँ। क्या स्लोप पॉजिटिव आ रही है? हाँ। पॉजिटिव स्लोप का मतलब जो dx by dt है ये क्या पॉजिटिव आ रही है? हाँ। क्या दूसरी चीज, यही चीज कांस्टेंट भी आ रही है? हाँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप तो कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप और dx by dt जो है स्लोप वो क्या देने वाली है, वो तो वेलोसिटी देने वाली है। अगर वेलोसिटी है और वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब पार्टिकल कहां भाग रहा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहा होगा, तो दिखाई भी दे रहा है जीरो टाइम पे माइनस एक्स नॉट पे, तो जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में आगे की तरफ भागता जा रहा है, पॉजिटिव दिशा में ही भाग रहा है। तो इसका इंटरप्रिटेशन अगर बनाने की कोशिश करें तो क्या बनने वाला है, गौर से देखो, ये मेरा है ओरिजिन और मैं माइनस एक्स नॉट पे खड़ा हूं, ये डायरेक्शन को मैं माइनस मान रहा हूं और राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं। मेरा पार्टिकल यहां कहीं खड़ा है और पॉजिटिव की दिशा में किसी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ता चला जा रहा है, कोई बुराई इसमें किसी को नहीं, ये इंटरप्रिटेशन हो गया। इस ग्राफ को इरेज करते हैं, उसके बाद उसी इसी के जैसा उधर ग्राफ बनाते हैं, सिर्फ इंटरप्रिटेशन है, कोई सवाल नहीं है। अगर ग्राफ पढ़ना आ जाएगा तो कितना भी कठिन ग्राफ आ जाए, सवाल आ जाए, आसानी से लगता है, ग्राफ के क्वेश्चन गलत होने ही नहीं चाहिए, जस्ट आपको ग्राफ की रीडिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। ये देखो, ये एक्स ये टी, मेरा पार्टिकल खड़ा है किसी पॉजिटिव एक्स नॉट पे और मेरा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है क्योंकि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, और भाग कहाँ रहा है, भाग रहा है नेगेटिव साइड। देखो तुम क्या करोगे, तुम कहोगे कि देखो ये ग्राफ टाइम एक्सिस को कहां कट कर रहा है, यहां, वहां बैठे कहां देखा, पॉजिटिव साइड में, कहां घूमे, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या दिख रहा है, थीटा। क्या तुमको थीटा ग्रेटर देन 90 दिखाई दिया? क्या टेन थीटा अपने आप में नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है? थीटा 90 से बड़ा हो जाता है, टेन थीटा नेगेटिव हो जाता है, अभी कास्ट रूल लिखा था, अगर नहीं आता तो फिर से याद कर लो, CAST 90 से बड़ा, ये देखो जीरो एंगल, ये 90, ये 90 से बड़ा, 90 से बड़े में कौन पॉजिटिव है, सिर्फ साइन, टेन तो यहाँ पॉजिटिव होता है। अच्छा, अगर स्लोप नेगेटिव हो गए तो क्लियर दिखाई दिया कि जो स्लोप है वो कैसी है, नेगेटिव, और स्लोप है कैसी अपने आप में, कॉन्स्टेंट, और स्लोप होती क्या है, वो तो dx by dt है इस पर्टिकुलर ग्राफ में, और ये क्या चीज है, नेगेटिव, और ये चीज थी क्या, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, मतलब कि पार्टिकल भाग कर रहा है नेगेटिव साइड में, देखो पॉजिटिव साइड बैठा है और नेगेटिव की तरफ भाग रहा है विद कांस्टेंट रेट, हाँ,
बात तो सही है। इसका मतलब अगर इसका इंटरप्रिटेशन यहाँ बनाना चाहे तो ये है मेरा ओरिजिन, और यहाँ से किसी पॉजिटिव एक्स नॉट पे मेरा पार्टिकल बैठा हुआ था, उससे नेगेटिव डायरेक्शन में ये भाग रहा है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ग्राफ। कोई दिक्कत इसमें? इजी है, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे करें, हट जाते हैं। हो गया होगा, अब देखो एक्सटी ग्राफ हो गया। अब जो एक्सटी ग्राफ हम बना रहे हैं बार बार, ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो जवाब है हाँ स्ट्रेट लाइन है। और x और t का अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया है तो गणित में सिखाया जाता है, मैथमेटिक्स में सीखते हैं कि हर एक ग्राफ की होती है इक्वेशन और हर एक इक्वेशन से बन सकता है कोई ना कोई ग्राफ। अगर ये हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना रहे हैं रेस्ट का हो चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी का हो, है तो x और t के बीच का रिश्ता ही, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या पोजीशन है ये मुझे पता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या पोजीशन है मुझे पता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या पोजीशन है ये मुझे पता है, यानी t और x के बीच का जो रिलेशन है मुझे पता है। अगर t और x के बीच का रिलेशन मुझे पहले से ही मालूम है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता है कि टाइम और एक्स के बीच की इक्वेशन क्या होगी, तो हम इक्वेशन बनाना जानते हैं या जान सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिलहाल तो मैंने डेटा नहीं दिया था इसलिए इक्वेशन एग्जैक्टली नहीं बन सकती, बट स्टिल मैं इक्वेशन से ग्राफ बनाना जरूर सीखता हूं। एक्स की वैल्यू मान लो लिखी है 2t+1, तो ये कैसा ग्राफ है? तुम तुरंत कहोगे कि सर जो भी ग्राफ बनने वाला है वो देखो कैसे बनेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? एक्स वाई एक्सिस पे चला गया, इनडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? टी एक्स एक्सिस पे आ गया, बहुत बढ़िया। x की मैक्सिमम पावर कितनी? 1। t की मैक्सिमम पावर कितनी? 1। जब दोनों की मैक्सिमम पावर हो जाए 1 1, तो ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, बहुत बढ़िया स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब यहां पर क्या करना है, t की वैल्यू को 0 डालना है, तो t की वैल्यू को 0 डालने पे x कितना आ रहा है? 1। देखो t की वैल्यू 0 डालो अंडा हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा? 1। बहुत बढ़िया, इसका मतलब जो ग्राफ है वो किसी +1 वैल्यू से शुरू हो रहा है। उसके बाद अगर मैं इस इक्वेशन को जरा देखूं तो y is equal to mx plus c नाम का फॉर्मेट है, जहां पे c की वैल्यू मुझे +1 दिखाई दे रही है और स्लोप की वैल्यू मुझे 2 दिखाई दे रही है। अच्छा, स्लोप की वैल्यू 2 है, बहुत बढ़िया। ये ग्राफ यहां से ऐसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों चलेगा? अरे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है यार। अच्छा, स्लोप है कैसी? गौर से देखो तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि देखो यहां पे +2 लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये हुआ कि जो भी ग्राफ बनने वाला है वो एक्स एक्सिस से, यानी कि ये एक्स नहीं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस से, टाइम एक्सिस से जो भी एंगल बनाएगा वो 90 से छोटा ही होना चाहिए, तभी पॉजिटिव स्लोप आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। बहुत बढ़िया, ओहो ये बढ़िया ग्राफ, मजा आ गया, सिंपल। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो अब फाई आएगा, इस फाई का जब मैं टेन फाई निकालूंगा तो ये कहलाएगी स्लोप, और इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे एम से, और इसकी वैल्यू 2 होगी। थीटा कुछ ऐसा चूज करना, पर्टिकुलर थीटा चूज कर लीजिए, बात बन जाएगी, इतनी कोई इशू नहीं होगा। चलो आओ देखो कुछ और करके देखते हैं। ये x, ये t, फिर मैं कह रहा हूं x की वैल्यू जो है वो है 4t-2। बनाइए भैया ग्राफ, क्या होगा? तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में बातें आनी चाहिए कि सर जैसे ही हम ये कहेंगे कि t की वैल्यू को 0 डालो तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -2। इसका मतलब ये हुआ कि समय को कर दें 0 तो x कितना हो जाएगा? -2। यहां ग्राफ यहां से चल रहा है। इसको, इसी इक्वेशन को जरा y is equal to mx plus c से कंपेयर कराइए। तो जब आप कंपेयर कराएंगे तो c की वैल्यू -2 आ रही, जो हमने लिख दिया है यहाँ पे, इंटरसेप्ट आ चुका है, और जो m की वैल्यू है दैट इज +4। बहुत इंपॉर्टेंट है साइन के साथ इसको लेना, +4। ये तो स्लोप हो गया, इसका मतलब ये है कि स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि जो ग्राफ बनने वाला है वो x एक्सिस से जो भी एंगल फाई बनाएगा दैट मस्ट बी स्मॉलर देन 90 degrees। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती इसमें नहीं ही करनी है। अच्छा अब देखो गौर से, अगर ऐसा है बहुत अच्छी बात, ग्राफ तो बन गया भाई, सुंदर है। बस इतना ध्यान रखना है कि अब जो tan पाई होगा इसकी वैल्यू 4 होगी, इसी को हम स्लोप बोलेंगे, m से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई बुराई इसमें? बिल्कुल नहीं, लल्लू है, आसान, एक मिनट में आएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। एक स्क्रीनशॉट फिर आगे बढ़े, डन। अच्छा अब देखो हटाते हैं इसको, काम क्या है इसी के जैसा कुछ और, देखते रहने में, फालतू का इलस्ट्रेशन नहीं करा रहा हूं, हर पॉसिबल केस आपको बना के दे रहा हूं। x is equal to -4t+3, क्या दिखाई दिया? दिखाई दिया कि सर ये y equals mx plus c का फॉर्मेट है, और जब भी कभी y is equal to mx plus c का फॉर्मेट से इसको आप कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि m की वैल्यू आ रही है -4 और c की वैल्यू आ रही है +3, यानी कि स्लोप है नेगेटिव, इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, यानी कि जब मैं t को 0 डालूंगा तो t को 0 डालने पे ये टर्म खत्म हो जाएगा और x जो बचेगा उसके खाते में बचेगा +3। अच्छा बहुत बढ़िया,
अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि जब टाइम को मैं जीरो कर दूंगा यहाँ पे ले आऊंगा, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर जो पोजीशन होगी वो होगी बेटा यहाँ पर प्लस थ्री की। दिल खुश हो गया देख के, बहुत अच्छी बात। आगे देखो, उसके बाद जो स्लोप है बेटा वो कैसी है, नेगेटिव। और अगर स्लोप हमारी है नेगेटिव तो एक क्रिटिकल बात है, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब कि जो भी, यहाँ से देख लो इसको, जो भी मेरा फाई आने वाला है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, क्योंकि जब थीटा 90 से बड़ा हो जाता है तब टैन थीटा नेगेटिव हो जाता है। बहुत अच्छी बात। और स्लोप का मतलब क्या था, जब भी कभी एक्सटी ग्राफ होगी तो स्लोप क्या प्रोवाइड करेगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी अगर आ रही है स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब जहां भी खड़े हैं वहां से किस तरह मुंह मार रहे होंगे, नेगेटिव के साइड, यानी नेगेटिव साइड में हम वेलोसिटी लेकर चलते हैं। बहुत अच्छी बात। अब जो फाई है वो क्या है, यहां से ऐसे घूमे और एंटी क्लॉकवाइज, और से देखो जहां कट किया इसको, जहां कट किया इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस को, वहां से पॉजिटिव साइड देखेंगे, एंटी क्लॉक घूमेंगे, और ये है मेरा फाई। क्लियर है? और फाई जो है दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। दिमाग में बात आती है कि जो टेन फाई है इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, माइनस। कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। पर तुरंत कोई बच्चा कहेगा सर जब नेगेटिव वेलोसिटी हो जाया करती थी तो हम इसको इस तरफ से भी तो नाप सकते हैं, मान लो ये थीटा है या अल्फा, मान लो अल्फा है, तो ये अल्फा की वैल्यू सही मानों में है क्या, दैट इज 180 माइनस फाई। बिल्कुल। और अगर मैं लिखना चाहूं टेन अल्फा, तो टेन अल्फा की वैल्यू भी तो 4 ही आएगी। हाँ 4 आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, 180 माइनस थीटा इज थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन हम हमेशा स्लोप निकालते थे एंटी क्लॉक घूम के, आज की तारीख में निकाल रहे हैं क्लॉकवाइज घूम के, तो क्या हमने उल्टा रोटेशन किया, इसलिए अपनी मर्जी से क्या लगाएं, माइनस। आप चाहे ऐसे कर लो और चाहे ऐसे कर लो, बात बराबर ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला इलस्ट्रेशन देखना गौर से, मैंने नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव इंटरसेप्ट सारे केस कराए, कोई फालतू इलस्ट्रेशन नहीं है ना, बहुत सीक्वेंस में और बहुत मैपडअप है, इसलिए नोट जरूर बनाते चले, याद रहेंगे। x की वैल्यू जो भी है उसकी वैल्यू लिख सकते हैं माइनस कुछ 2t प्लस 4, प्लस 4 छोड़ो माइनस 4 कर लो, अच्छा लगेगा। अब तुमको यहाँ दिखाई दिया कि सर इसको अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c से देखें तो जो मेरे m की वैल्यू निकल के आ रही है वो माइनस 2 है और जो c की वैल्यू निकल के आ रही है वो माइनस 4 है। बहुत सिंपल है, कुछ टफ नहीं है इसमें। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जब भी मैं कभी t इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू माइनस 4 आने वाली है, माइनस 4 आने वाली है, और सर देखो t की वैल्यू 0 पुट करो खत्म हो गया माइनस 4 बचा, तो ग्राफ जो है वो भाई साहब माइनस 4 से शुरू करना है। अच्छा, जा कहां तक रहे हैं ग्राफ, तो गौर से देखो कि स्लोप कैसी है, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव, तो इसका मतलब जो एंगल होगा वो ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा, ये 1 और 2, तो 2 बनेगा भाई, क्योंकि 90 से बड़ा एंगल चाहिए, 90 से बड़ा एंगल चाहिए, तो ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है ना। और अगर मुझे एंगल देखना है कि फाई कितना है, तो फाई यहां से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस से यहां से यहां तक ये जो होगा फाई होगा, और जो फाई की वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, तभी तो नेगेटिव स्लोप बनेगा। तो अगर मैं टेन फाई बोलने जाऊं तो मैं बोल सकता हूं माइनस का 2, क्योंकि वही क्या है मेरी स्लोप, देखो। और इसको फिर वही बात कि हम एंटी क्लॉक घूमने की बजाय अगर क्लॉक घूमने लग जाए और इसको अल्फा बोलने लग जाए तो टेन अल्फा की वैल्यू भी 2 ही आएगी, पर वो नेगेटिव होगी क्योंकि हम क्लॉक वाइज घूमने लग गए, बस तो एक ही। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अब देखो इंटरसेप्ट वगैरह पता है, अब इसमें देखो कि ये टेन फाई की चीज है क्या सही मायनों में, ये तो वेलोसिटी, 2 बता रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस बता रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में भाग रहा है, यहाँ पर क्या है जो स्लोप है वो माइनस 4 है, तो 4 बता रहा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और माइनस बता रहा है नेगेटिव साइड। अच्छा, ये बता रहा है कि जब समय शून्य था तो पार्टिकल था कहाँ, माइनस 4 पे बैठा था, यहाँ कहाँ बैठा था, प्लस 3 पे बैठा था। अब मैंने पुराने वाले दो ग्राफ के इंटरप्रिटेशन नहीं कराए हैं आपको, इन दो ग्राफ के इंटरप्रिटेशन में करा देता हूँ, उनके इंटरप्रिटेशन आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना। देखो गौर से, ये है मेरा ओरिजिन, पार्टिकल कहाँ बैठा है, प्लस 3 पर, ये है ओरिजिन और मेरा पार्टिकल बैठा है प्लस 3 पर, और प्लस 3 से कहाँ मुंह मार रहा है, नेगेटिव साइड में, मतलब पार्टिकल यहाँ जा रहा है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो माइनस 4। यूनिट्स मैंने मीटर पर सेकंड नहीं लिखा क्योंकि मीटर और सेकंड में मैंने दिया नहीं है, अगर इसको मीटर मान लो एक्स को और इसको टाइम मान लो सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा माइनस 4। इसका इंटरप्रिटेशन बनाते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ पर, नीचे बना दो, यहाँ बना दो, दिखाई देगा, देखो चलो इतना तो दिखाई देगा, यहाँ पे ये है ओरिजिन 0 और मेरा पार्टिकल कहाँ बैठा है, माइनस 4 पे, अगर बैठा है माइनस 4 पे तो ये हो गया माइनस 4, और जीवन काल में अभी भी ये नेगेटिव दिशा में ही मुंह मार रहा है, मतलब यहाँ से खड़ा हुआ इधर भागने लग गया, ये है इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है पर है कितनी, एक्सटी ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, तो स्लोप के बारे में चर्चा करो है माइनस 2, तो वेलोसिटी की वैल्यू हो गई माइनस 2 मीटर पर सेकंड या जो भी यूनिट्स आपको पास प्रोवाइडेड है, कोई दिक्कत इसमें। ये इंटरप्रिटेशन है एक्सटी ग्राफ का, जहां हमने सीखा है अभी तक सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ। एक स्क्रीनशॉट करा दे बड़े, चलो हो गया, आगे बढ़ो, ये एक्सटी ग्राफ। अब बात आती है कि
एक्सेलरेटेड मोशन में भी तो एक्सटी ग्राफ होते हैं, बिल्कुल होते हैं एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सटी ग्राफ। एक्सेलरेशन तो दो तरह का होता है, एक वेरिएबल और एक कॉन्स्टेंट। कौन सा हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, तो चलो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन की थोड़ी बहुत चर्चा। पोजिशन टाइम से रिलेटेड होता है, होता है तभी तो बदलेगी ना, समय के साथ पोजिशन बदल रही है, उसको तो हम रिलेट कर ही सकते हैं। अगर पोजीशन टाइम के साथ रिलेट कर रही है 4t plus 2 types, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, लिखूंगा dx by dt that gives us velocity, ये हो गया 4 और ये हुआ dt by dt और प्लस में आगे हो गया 0 dt by dt 1, तो ये हो गया 4, वेलोसिटी आ गई कांस्टेंट। यानी कि जब भी कभी x की पावर 1 और t की पावर 1 का रिलेशन हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी का केस बन जाता है। पावर बढ़ा लेते हैं या पहले घटा लेते हैं, x is equal to t to power 0 डिफरेंशिएट करिए, t की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1, डिफरेंशिएट करोगे dx by dt दैट इज वेलोसिटी, कांस्टेंट का वेलोसिटी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, मतलब जब x टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब समय बदलने के साथ पोजीशन नहीं बदल रही, तो ये केस किसका है, रेस्ट का। ये केस किसका है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। मैंने 4 का एग्जांपल लिया, कोई भी वेलोसिटी चूज की जा सकती है। अच्छा, इसका मतलब पावर बढ़ा के देखें तो x की जो वैल्यू है उसको मैं लिख देता हूं 2t² + 2। लेट्स डिफरेंशिएट dx by dt क्या देगा, ये वेलोसिटी क्या लिखेंगे, 2 × 2 dt, थोड़ा सा t लिख देते हैं, है ना, इतना तो पता चल ही जाएगा कि 2 बाहर आ जाएगा, t की पावर 2 - 1 t बन जाएगा 4t, ये बन गया। अब गौर से देखो, वेलोसिटी अपने आप में टाइम पे डिपेंड कर रही है, यानी अब की बार वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं आई, यानी कि हम ले सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म। वेरिएबल लिख लो ज्यादा अच्छा, छोटा पड़ता है। इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो dv by dt, अरे dv by dt तो एक्सेलरेशन होता है सिंपल, और जब dv by dt एक्सेलरेशन होता है तो ये क्या बन गया, 4 × dt / dt, तो ये आंसर आया 4 और एक्सेलरेशन आ गया कांस्टेंट। ओहो, पता चला कि जब x की पावर 1 हो और टाइम की मैक्सिमम पावर 2 हो, यानी 1 से 2 का रिलेशन बन रहा हो, उस वक्त जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट। कैसे आगे भी ये केस है, आगे देख लेते हैं। आओ से x is given as t cube, अब आगे के फंक्शन नहीं लिखते, डायरेक्ट ये काम करते हैं, क्या लिखेंगे dx by dt, ये क्या प्रोवाइड करेगा, वेलोसिटी, आंसर कितना आएगा 3t². अब क्या करें, इसी को देखो, dv by dt क्या बनेगा, ये एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू क्या बनेगी 60, और 3 तो एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया, टाइम पे डिपेंडेंट है, जैसे जैसे टाइम बढ़ाते चले जाओगे टाइम की डिफरेंट वैल्यूज के लिए एक्सेलरेशन डिफरेंट आएगा, टाइम की अलग अलग वैल्यूज के लिए एक्सेलरेशन डिफरेंट आएगा, टाइम की अलग अलग वैल्यूज के लिए एक्सेलरेशन डिफरेंट आएगा। x टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा था, रेस्ट में था, x टाइम पर लीनियरली डिपेंड कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी, x टाइम पर क्वाड्रेटिक डिपेंड कर रहा है, 2 पावर से डिपेंड कर रहा है, x की पावर 1 t की पावर 2, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और अगर इससे ज्यादा पावर टाइम की बढ़ जाए तो फिर वो वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस बन जाता है, और वेरिएबल एक्सेलरेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब मेरे कंसर्न की बात ये वाला है, तुमको तुरंत दिखाई दिया कि जो x की पावर 1 है वो डिपेंड कर रही है t की पावर मैक्सिमम 2 पर। अगर ऐसा हो जाए किसी एक की पावर 1 हो और किसी एक की मैक्सिमम पावर 2 हो तो ग्राफ का नेचर क्या होता है, कल पढ़ा रात में पैराबोला, अब आपको पता चल जाएगा पैराबोला है, आसानी से इजी, क्लियर है मेरी बात, सिमेट्रिक बैरा, सुंदर, अच्छा, बढ़िया पैराबोला। यानी कि जब भी कभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस आ जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नॉट वेरिएबल, तो जो एक्सटी ग्राफ होगा वो अपने आप में क्या शक्ल लेके आएगा, पैराबोला, क्लियर। एक स्क्रीनशॉट, ये भी काम का ही है, याद रहेगा रेफरेंस के लिए। अच्छा, अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एक्स की ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं। आज कोशिश रहेगी कि बीटी तो कम से कम पूरा खत्म ही कर दें, ठीक है, काम करते हैं। देखो क्या कहानी, एक्स टी ग्राफ, ठीक, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये प्रोवाइड किया जा रहा है, ए बराबर कांस्टेंट, मुझे ये कहा जाए कि पार्टिकल जो है वो टी बराबर 0 पे एक्स बराबर 0 पे खड़ा था, मतलब यहां खड़ा था, अब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, तो जहां एक्सेलरेशन होगा वहां पे पार्टिकल भागेगा, एक्सेलरेशन मान लिया जाए पॉजिटिव, और मैंने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 जानबूझकर, अगर है कहां भागेगा ग्राफ, तो क्लियर है कि ए दिया हुआ है कांस्टेंट, ग्राफ पूछा जा रहा है एक्स और टी के बीच में, जब ए दिया होता है कांस्टेंट तो एक्स और टी का ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला, क्योंकि क्वाड्रेटिक रिलेशन बनता है। इनिशियली पार्टिकल 0 पर है, मतलब यहां है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी का मतलब हो गया कि स्लोप,
और कौन सी स्लोप? इनिशियल स्लोप, स्लोप इनिशियल भी जीरो होगी। तो ग्राफ बनाना है हमें बढ़िया सा पैराबोला इस तरह का, लेकिन इनिशियल स्लोप जीरो होनी चाहिए। गौर से देखो इस पर्टिकुलर ग्राफ में जब मैं टाइम टी बराबर जीरो पे टेंजेंट डालने की कोशिश करता हूं तो टेंजेंट का स्लोप जीरो नहीं आ रहा है, इसलिए इनिशियल स्लोप अभी जीरो नहीं हुई। हम क्या करें, ग्राफ को ऐसा बनाएं। तो जो स्टार्ट वाला पॉइंट है, गौर से देखना मेरी बात, स्टार्ट वाला जो पॉइंट है उस पर जो मैं टेंजेंट डालूंगा तो वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाएंगे, और टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल स्लोप बन गया ये, तो यहां से जो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, यानी टेन फाई की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, यानी कि स्लोप कितना आ गया, जीरो, यानी वेलोसिटी कितनी आ गई, जीरो। कौन सी वेलोसिटी कितनी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, जीरो। क्लियर है मेरी बात? अब इसी का ग्राफ फिर से देखो, ये कहा जाए कि ए जो है वो कांस्टेंट है और ए जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, ध्यान रखना पॉजिटिव का मतलब जीरो से बड़ा जीरो से छोटा नहीं है। और कहा जा रहा है कि टाइम टी बराबर जीरो पे एक्स बराबर जीरो है, मतलब पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है, और कहा जा रहा है कि यू जो है वो पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। अच्छा कैसा बनेगा ग्राफ? तो भैया यू पॉजिटिव है और नॉन जीरो है, मतलब इस बार जो इनिशियल स्लोप है वो जीरो होने वाली नहीं है, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अब गौर से देखो, आप इनिशियल पॉइंट पे जब स्लोप डालने की कोशिश कर रहे हो, टेंजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो इनिशियल पॉइंट पे भी कुछ टेंजेंट आ रही है, और वो टेंजेंट का जो स्लोप बन रहा है फाई, तो आप बोलोगे टेन फाई इज इक्वल टू वेलोसिटी, सॉरी हाँ वेलोसिटी आएगी, और ये जो वेलोसिटी है वो कैसी है, पॉजिटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसी हुई, पॉजिटिव। ग्राफ इज पैराबोला, परफेक्टली, कोई दिक्कत तो नहीं। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, इनिशियल वेलोसिटी का केस। जब भी कभी कहे कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ग्राफ टाइम एक्सिस से चिपक के उठना चाहिए, और जब भी कभी कहे कि इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो तो आपका ग्राफ शुरुआत से ही थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए, ताकि जो इनिशियल पॉइंट है उस पर एक प्यारी सी टेंजेंट बने और उस टेंजेंट का एंगल टाइम एक्सिस से जीरो से बड़ा हो, तब नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी होगी। और अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फिर जो स्टार्टिंग पॉइंट पे टेंजेंट है वो टाइम एक्सिस के एग्जैक्टली पैरेलल होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? अब ये मैंने यहां से बना के दिखाया, ठीक है, यहां से बना के दिखाया, देखा स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इसको इक्वेशन से करते हैं। डन, आओ देखो। बड़ा आसान है, टफ नहीं है, खेलते रहोगे आता रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आओ देखो, मान लो कहा जा रहा है x जो है वो 40 स्क्वायर के साथ इस तरह रिलेशन, हमने कहा यार यहां पे क्या बन रहा है, जीरो, मतलब वर्टेक्स तो पक्का पक्का ओरिजिन पे आने वाला है। हम कल पैराबोला कर चुके हैं इसलिए इतना जानकारी हो चुकी है कि जो वर्टेक्स है दैट लाइज ऑन पैराबोला, अगर ऐसा कुछ ये दैट लाइज ऑन ओरिजिन। अच्छा, क्या ये टी स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है? हाँ। क्या एक्स की पावर वन है? हाँ। जिसकी पावर वन होती है क्या उसके सिमेट्रिक पैराबोला बनता है? बिल्कुल हाँ। तो ग्राफ, अच्छा एक बात और कि इसको जरा डिफरेंशिएट करो, तो आप लिखोगे dx by dt, ये क्या बनेगा बेटा 8, 8 कैसे बनेगा देखना, 4 into d by dt of t square, क्या बना 4 into t, 4 into 2 into t, क्लियर है ना, 4 into 2 into t। अच्छा तो ये क्या बन गया बेटा 8t, और dx by dt सही मानों में होता क्या है, ये तो वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 8t। अब टाइम को t बराबर 0 डालो तो वेलोसिटी कितनी निकल के आ रही है, 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इस ग्राफ में, 0। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 आ गई है क्या किया जाए, समझ रहे हो ना इस बात को, ये चीज समझ आ रही है कि इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो बड़ा ही आसान है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अगर ऐसा है तो क्लियर दिखाई दिया कि जो ग्राफ होगा, अच्छा एक चीज और समझना, अगर मैं एक्सेलरेशन निकालने जाऊं तो एक्सेलरेशन को यहीं से निकाल सकता हूं, dv / dt दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू 8, और ये आ चुका है कांस्टेंट, मतलब पैराबोला बनने ही वाला है, और आया है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव दिखाई दिया और पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल रुका हुआ है, दौड़ेगा कहां, ज्यादा धक्का लगेगा, जहां एक्सेलरेशन आया, इसका मतलब ग्राफ ऐसे चमक के उठेगा, बस ये सिमेट्रिक इधर भी चला जाएगा। अब अगर मैं इस पे इनिशियल पॉइंट पे स्लोप बनाने की कोशिश करूं तो टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रही है, यहाँ से जो स्लोप बन रहा है वो जीरो है, फाई जीरो, टेन फाई जीरो, स्लोप जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी आल्सो जीरो। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल। अब आप गौर से देखें तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप वेलोसिटी बनाइए, इसको बोलिए थीटा वन, किसी एक अगले इंस्टेंट पे बनाइए, देखिए तो इसको कहिए थीटा टू, और आप देख रहे हैं कि थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, और जितना ऊपर आप थीटा बनाते चले जाओगे थीटा बढ़ता चला जाएगा, क्यों? क्योंकि थीटा से टेन थीटा निकालोगे तो प्रोवाइड करेगा स्लोप, और स्लोप दे रही है वेलोसिटी, वेलोसिटी दे रही है, और देखो समय के साथ एज टाइम इंक्रीजेस
वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, भैया एक्सेलरेटेड मोशन है तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी को गेन होना चाहिए और हो रही है। अगर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो स्लोप को कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए और हो रहा है पैराबोला में, देखो कॉन्स्टेंट बढ़िया इत्मीनान से स्लोप बढ़ता चला जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि जो स्लोप ऑफ कर्व है, स्लोप ऑफ ग्राफ है वो इंक्रीजिंग, और कैसे इंक्रीजिंग है, ऑलवेज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा स्लोप बढ़ती जाएगी। बिंदास, सिंपल आसान, करिए करिए, डन। अगला कि सर अगर हमने इसमें ये काम किया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, कभी भी करोगे तो टी ही बचेगा, टी को जीरो डालने पे तो जीरो ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी के ग्राफ्स कैसे बनते हैं, ग्राफ कैसे बनते हैं पता ही चलिए, और तुम्हें देख के कैसे पता चलेगा इक्वेशन को कि नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी का इक्वेशन, तो एनालाइज करना दोनों को जोड़ जोड़ के, देखते रहना कि मैंने x की वैल्यू लिख दी है मान लो 40 स्क्वायर प्लस t, इतना लिख दिया बस। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या लिखोगे, dx by dt, ये क्या है वेलोसिटी, आंसर कितना आया 80 प्लस 1। अब यहां पर तुमको दिखाई देगा t बराबर 0 डालने पे वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है 1, ये 0 हुआ, ये नहीं हुआ, ये सिंगल पावर वाला टर्म आपको ये बता रहा है कि भैया वेलोसिटी टाइम t बराबर 0 पे 0 नहीं है, क्लियर है मेरी बात। अब ये चीज आप इसमें क्या करें, dv by dt, ये क्या बनेगा एक्सेलरेशन, और इसको करोगे तो आएगा 8, ये है पॉजिटिव और ये कांस्टेंट निकल के आ रहा है, कांस्टेंट निकल के आया, कॉमन सेंस से ग्राफ कैसा बनने वाला है, पैराबोला, ये क्या है x, ये क्या है t, और ग्राफ की अगर तुम स्लोप देखने की कोशिश करो, स्लोप तो छोड़ो अभी जान दो, ग्राफ अब की बार क्योंकि t का टर्म आ चुका है इसलिए आपको तुरंत दिखाई देना चाहिए कि मेरा जो पार्टिकल है वो किसी कीमत पर अब जीरो से इसका वर्टेक्स पास नहीं है। हम लोग कल भी पैराबोला में कर चुके हैं, जब भी सिंगल पावर वाला टर्म आ जाता है पैराबोलिक ग्राफ में तो जीरो पे वर्टेक्स नहीं होता, कहाँ होता है उसकी ट्रिक भी बताई थी। क्या करना है, गौर से देखो, एक्स है, सबसे पहले एक्स बराबर जीरो पुट करना है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक रिलेशन है, एक एक्स की वैल्यू के लिए दो टाइम आने वाले, क्लियर, एक्स बराबर जीरो पुट करना है तो जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, क्या लिख लेते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस t, क्या करें t को कॉमन ले लें, 4t प्लस 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ये जीरो है, या तो t इज इक्वल टू जीरो है और या तो 4t प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू माइनस 1/4 है, तो t इज इक्वल टू जीरो पर x जीरो हो रहा है और t इज इक्वल टू 1-4 पर x जीरो हो रहा है, तो हम जरा प्लॉट कर लेते हैं, t बराबर 0 पर और t बराबर माइनस 1/4 पर मेरा ग्राफ 0 हो रहा है, तो जो इसका वर्टेक्स होगा कि इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा, कल भी बताया था कहीं वर्टेक्स होगा, मान लो यहाँ वर्टेक्स, अब जो ग्राफ है वो इस वर्टेक्स के हिसाब से पास कहाँ से होना है, यहाँ से वर्टेक्स कहाँ बनाना है, जब हमने पॉइंट बनाया यहाँ से पैराबोला इधर ऊपर और पैराबोला इधर ऊपर, बिंदास चला जाएगा, ये मेरा ग्राफ है, रेड वाला ग्राफ है, डॉटेड बनाया ताकि अच्छा बन पाए, एक स्ट्रोक में खराब बनता है, और ध्यान रखना है कि बिल्कुल शार्प ग्राफ नहीं, अच्छा प्यार से स्मूथ ग्राफ है, शार्प बिल्कुल नहीं होता है, स्मूथ ग्राफ होता है, क्लियर है, बिल्कुल सीधा सा। अच्छा एक चीज समझ में आ रही है इस ग्राफ में, ये जो लेफ्ट साइड है वो तो नेगेटिव एक्सिस का है तो काम का ही नहीं है, नेगेटिव एक्सिस क्यों, देखो टाइम नेगेटिव ना उसके बारे में जानकारी नहीं होती, जो डॉटेड ग्राफ ये पार्टिकल यहां से शुरू, ये ग्राफ यहां से शुरू होगा, अच्छा इसका मतलब पीछे नहीं था पार्टिकल, पार्टिकल टाइम टी बराबर जीरो पे यही था, हाँ क्योंकि ये तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव के बारे में जानकारी नहीं होती, इसका मतलब पार्टिकल टाइम टी नेगेटिव टाइम्स पर कोई मतलब ही नहीं है, यानी जब पार्टिकल ने शुरू किया, हमने ऑब्जर्व किया तो पार्टिकल कहाँ था, पहला पॉइंट ओरिजिन का रहा, वो टी इज इक्वल टू जीरो है, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, एक्स कितना आया जीरो, तो पार्टिकल की शुरुआत कहाँ से हो रही है, जीरो से, तो परफेक्ट ग्राफ बना, देखो पैरा सुंदर, अच्छा पैरा बोला, शिफ्टिंग ऐसे हो जाती है,